ऑलराइट दोस्तों, आज मेरे पास रेडमी नोट 11, तो चलिए फटाफट से उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहता है। अगर आप चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं स्काई टेक प्रो, तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। ये फ़ोन हमारे पास ब्लू कलर में, इसको रखते हैं हम साइड में, फिर देखते हैं नीचे है क्या है ये फ़ोन। बाकी रेडमी का मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन मिलता है। ये एक 33 वाट का अडैप्टर है और 500 mAh का बैटरी के साथ, और ये है टाइप ए टू टाइप सी केबल। इस फ़ोन का मुझे कुछ फीचर्स बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि इस प्राइस रेंज में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 680 का 6 नैनोमीटर प्रोसेसर, जो कि 2.4 GHz का प्रोसेसर है, और इसका 3 वेरिएंट आता है, जैसे कि 464, 664, 6128, और इसमें आप मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं अप टू 128 GB। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6.4 इंचेस फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 90Hz का रिफ्रेश रेट है, और टच सैम्पलिंग रेट है 180Hz, और ये 1000 nits पिक ब्राइटनेस पिक करता है, और डिस्प्ले रेजोल्यूशन में तो इसमें आपको 2400x1080p आपको डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिलता है, और ये सनलाइट डिस्प्ले है जो कि एमोलेड डिस्प्ले साइड फिंगरप्रिंट के साथ। कैमरा की बात करें तो आपको 50 MP आपको मिलेगा मेन कैमरा, 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 MP माइक्रो कैमरा, 2 MP डेप्थ कैमरा, और सेल्फी में आपको मिल जाएगा, आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। रियर कैमरा में आप 30fps वीडियो शूट कर सकते हैं, इसमें आपको 60fps वाला वीडियो शूट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फ्रंट कैमरा भी वैसा, आपको 30fps में वीडियो शूट कर सकते हैं। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, 500 mAh बैटरी के साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर इनबॉक्स अडैप्टर दे दिया है, आप देख चुके हैं। इसमें आपको साइड फिंगरप्रिंट मिलता है सेंसर, एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण आपको स्क्रीन फिंगरप्रिंट होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन इसमें आपको साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है। AI फेस अनलॉक है, ये आपको 4G में मिलेगा क्योंकि बहुत पुराना मॉडल है। इसमें आपको डुअल स्पीकर मिलता है, आयरिस ऑडियो भी मिलता है, इसमें आपको 3.5 mm जैक भी आपको मिल जाता है। सब सेंसर इसमें अवेलेबल है, प्रॉक्सिमिटी एम्बेसन, एक्सेलेरोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स आयर ब्लास्टर भी मिलता है। अगर आपको घर का रिमोट कंट्रोल करना है इस फ़ोन पे, तो आप ये फ़ोन बहुत काम में आ सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 ऑनबोर्ड है, 12 शायद अपडेट आ गया होगा क्योंकि मैं अभी अपडेट चेक नहीं किया हूँ। डुअल सिम में आपको डुअल सिम 4G मिल जाएगा, और ये जो हमारे पास है 6GB 128GB, इसमें आपको 2GB रैम एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बात है इसका जो प्राइस रेंज है, स्टार्टिंग रेंज 12999 इसका प्राइस रेंज है, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ अच्छा परफॉर्मेंस वाला स्नैपड्रैगन 680 अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैंने जितना भी स्नैपड्रैगन 680 फ़ोन यूज़ किया हूँ, बहुत बढ़िया है, और पीछे का जो डिज़ाइनिंग है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा।